दोस्तों अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरनेट की ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती सब लोग करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है। चलो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कौन सी गलती है वो आपको नहीं करनी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लेते हैं आपके कुछ फायदे की बात। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप लोग जीत सकते हैं 500 रुपए। दोस्तों इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ 500 रुपए पेटीएम कैश का गिव अवे आप लोगों के लिए। अब आप जीतोगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, इस लाइक वाले बटन पे क्लिक करके फिर एक अच्छा सा कमेंट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा, यानी कि इन चारों काम करने के बाद आप गिव अवे में पार्टिसिपेट ले लोगे। अब जैसे वीडियो में 500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उस कमेंट के नीचे कमेंट मार के उसका पेटीएम नंबर लेकर उसको 100-100 रुपए करके 500 लोगों को 500 रुपए दे दूंगा, यानी कि 5 लोग जीत सकते हैं पूरे 100-100 रुपए। तो दोस्तों फटाफट कमेंट कर दो अच्छा सा और वीडियो को कर दो लाइक। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों पहली गलती, आपको कभी भी अपने फोन को रात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप रात में अगर अपना फोन इस्तेमाल करते हो सारी लाइटें बंद करके, तो आपको हमेशा अपने फोन में ब्लू लाइट फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे होता क्या है, आपकी आंखें एकदम सेफ रहती है और आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे नहीं होते हैं और आपकी आंखें खराब भी नहीं होती है। तो अगर आपके फोन में ब्लू लाइट फिल्टर है तब तो अच्छी बात है, वरना आप प्ले स्टोर में जाके ब्लू लाइट फिल्टर नाम का एक ऐप डाउनलोड करो और रात को उसको अनेबल कर दो। उससे होता क्या है, आपके मोबाइल पे एक ऑरेंज कलर की लेयर आ जाती है और वो आपकी आंखों को काफी ज्यादा सेफ रखती है। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों दूसरी गलती अक्सर लोग करा करते हैं। दोस्तों आपको कभी भी 18 प्लस वेबसाइट यानी अडल्ट कंटेंट वाली वेबसाइट पे नहीं जाना है। अपने ऐसे फ़ोन से नहीं जाना है जिसमें आपका गूगल पे, फ़ोन पे या आपकी बैंकिंग डिटेल्स है। अगर आप अपने रेगुलर फ़ोन से उन वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता है उन वेबसाइट में कितने सारे ऐड होते हैं, यानी कि आप क्लिक करोगे यहाँ और पहुँच जाओगे यहाँ पे, क्योंकि उन वेबसाइट में बहुत सारे ऐड होते हैं। तो आपको पता नहीं कब आपके फ़ोन में कोई सा ऐप डाउनलोड हो जाए, कब कौन सी स्क्रिप्ट रन हो रही है उन वेबसाइट पे, तो अपन को कुछ भी आइडिया नहीं होता उन चीज़ों का। तो आप कभी भी ऐसे फ़ोन से उन वेबसाइट को कंज्यूम मत करो जिनमें आपका सारा डाटा है, जिनमें आपकी बैंकिंग डिटेल है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आपको ये सब करना है तो आप दूसरे फोन से कर सकते हो। तीसरी गलती दोस्तों अक्सर लोग करते हैं कि पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप कभी भी पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करके किसी को पेमेंट ना करें, क्योंकि सारी आपकी डिटेल फैच होती है उधर। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें, ना फिर किसी और के हॉटस्पॉट से भी ये गलती ना करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं जो कि आपका डाटा ले लेते हैं। तो आप कभी भी पब्लिक वाईफाई से ऐसी डीलिंग ना करें। दोस्तों आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको अपनी प्राइवेट फोटोज़ अपने मोबाइल में नहीं रखनी है, क्योंकि दोस्तों आपका मोबाइल कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है और आपकी फ़ोटो का मिसयूज़ कर सकता है। वो आपकी फ़ोटो अपने WhatsApp पे सेंड कर सकता है, ना फिर किसी और को सेंड करके आपका डाटा लीक कर सकता है। तो आप कभी भी अपनी प्राइवेट फोटोज़ या वीडियोज़ मत रखो अपने मोबाइल पे, और रखो तो उनको हाइड करके रखो और लॉक लगा के रखो। अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं और फिर उनको अंजाम भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है इंटरनेट पे मोबाइल इस्तेमाल करते समय। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और गिव अवे में पार्टिसिपेट लेना मत भूलना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्या पता आप जीत जाओ। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।